हरि ओम, राम राम। आज हम आप लोगों को बताएंगे इसराइल के बारे में। यह इसराइल के बारे में कथा आती है कि यह भगवान शिव ने एक बार अपनी जटा को उखाड़ कर फेंका था। इससे इसराइल बूटी नाम की वनस्पति कैलाश में पहली बार उत्पन्न हुआ था, जो भारतवर्ष में या भारत से बाहर भी यह बिखर गया। भगवान शिव की कृपा से ऐसा प्राचीन शिव पुराण के ग्रंथों में लिखा हुआ है। भाई ये मेरी कथा नहीं है, भगवान शिव पुराण की कथा है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके पास सर्प नहीं आता, जब सर्प आ जाए तो उसके कुछ समय बाद उसका डेट हो जाता है, ऐसा वर्णन मिलता है। लेकिन हमारा पास एक वैद्य है, वो वैद्य किसी भी व्यक्ति को अगर सर्प काट लेता है तो इसके एक पत्ते को तोड़कर उसको खिला देता है तो इससे सर्प का विष उतर जाता है। इसमें एक प्रकार का अजीब सा दुर्गंध निकलता है और तंत्र में इसका खूब प्रयोग होता है ऐसा हमने सुना है, लेकिन तंत्र प्रयोग कभी नहीं किया है। अब इसका जो पत्ते होता है वो सन जो सर्प होता है उसके फन के आकार का हो दिखाई देता है। इसराइल को आप कभी भी कहीं भी देखें तो आप इसको उखाड़ लीजिएगा। यह लतादार होती है और धारी से युक्त होती है और इसमें यह कड़वा भी होता है और इसको नाकुली या गंध नाकुली के नाम से, महायोगेश्वरी के नाम से जानते हैं या ईश्वरामूल के नाम से। यह तंत्र में एक मंत्र था, मैं अभी भूल गया हूँ। ईश्वरामूल का प्रयोग करने से कैसा भी पागलपन रोगियों को ठीक करता था। एक किताब में मेरे को उसका पूरा ज्ञान लिखा था, लेकिन अब वो किताब मेरे पास नहीं। वो ऐसे किताब भी आजकल मार्केटों में नहीं मिलता। और सर्प विष में इसके बारे में हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ में बताया गया, यह परीक्षित प्रयोग है जो बता रहा हूँ। वो इनके एक दो पत्ते को तोड़कर उसमें एक काली मिर्च मिलाकर खिलाने से सर्प का विष तुरंत उतर जाता है, चाहे थोड़ी सी अंदर भी जाना चाहिए पेट के अंदर। अब ये आप हमारे हाथ में जो देख रहे हैं उसका फल है, सूखा हुआ है, अभी नया है, अभी 2020 का। तो आप इसको देख लीजिए, और जिसको सफ़ेद कुष्ठ रोग हो गया हो तो इसके जड़ का चूर्ण को शहद के साथ खाने से सफ़ेद कुष्ठ रोग जो होता है उसमें रामबाण काम करता है। यह कभी फल नहीं खाता है, इसका जड़ी बूटी कभी भी प्रयोग करो। अगर हाँ किसी ने तंत्र प्रयोग किया हो या काल भगवान उसको मौत लिखा हो तो तब छोड़ करके, नहीं तो यह कभी निष्फल नहीं जाता। और इसकी गुंजा और इसकी जड़ को पीस करके जिस जगह पर सर्प ने काटा हो उस जगह पर लेपन करने से सर्प का विष उतार देता है। लेकिन आप गुंजा को शोधन करके प्रयोग करते तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें एब्रिल नाम का विष होता है जो सर्प के विष को के समान प्रभावी होता है, यह आयुर्वेद का मत है। और जैसे काले रंग का जो सर्प जो काट लेता है उस व्यक्ति को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंटीवेनम सीरम लगाने से भी वह नहीं बच पाता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, गुंजा लेना चाहिए और इस ईश्वरामूल को लेकर के पीस करके उस पर लेपन करने से और उसके पत्तों को खिलाने से ईश्वरामूल का, तो कैसा भी आपका सर्प विष हो जो काला नाग ने डस दिया हो तो उसको यह पूर्ण रूप से आराम पहुँचाती है। यह हमारे इधर एक वैद्य जी है, इसका सैकड़ों बार कई रोगियों पर इसका प्रयोग करके आंखों देखा चमत्कारी प्रयोग किया है। और छत्तीसगढ़ के कांकेर कवर्धा जिला के तरफ यह पौधा खूब मिलता है, ऐसे भारतवर्ष में अब ज़्यादातर मिल रहा है। तो मैं यही जानकारी देना चाहता अपने वीडियो के समाप्त करता हूँ। हरि ओम, राम।